कोरोना में जहां अभी पूरा विश्व दवा की खोज कर रहा है और हर देश दावा भी कर रहा है कि मैं कोरोना का दवा खोज निकालने में सफल हो रहा हूं, लेकिन अभी तक इसके संदर्भ में कोई सटीक दवा बाजार में या सामने नहीं आई है। लेकिन कोरोना को लेकर योग के द्वारा यानी एक्यूप्रेशर के द्वारा भगाया जा सकता है, यह कहना है डॉक्टर मदन मोहन द्विवेदी जी का। आइए सुनते हैं डॉक्टर मदन मोहन द्विवेदी की बात। कल्याण हॉस्पिटल, कोरोना इस समय वायरस को लेकर पूरा केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार काफी चिंतित है और जागरूक भी है। कल्याण हॉस्पिटल की ओर से इस पर बचाव को लेकर क्या पहल की जा रही है? देखिए, पहले तो जितने मरीज आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि उसमें सिम्टम है कि नहीं है, खांसी है तभी कुछ करना है, नहीं खांसी है तो आम आदमी है, ठीक है। और जैसे ही खांसी की बात होती है हम कहते हैं कि चुपचाप सदर अस्पताल चले जाइए, ठीक। और खांसी वाले लोग कहते हैं कि तुरंत आप मास्क इस्तेमाल करिए, हाथ बराबर धोते रहिए। सब आदमी को इससे डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना जो है सो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस जिस तरह से हुआ करता था उसी तरह का वायरस ही भी है, लेकिन हड़बड़ाने से कुछ नहीं होना है। अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रखिए, तुलसी का चाय पीजिए, आदि का चाय पीजिए, गोलकी का चाय पीजिए, आप क्या कहते हैं हल्दी का चाय पीजिए, इस तरीके से चाय पीजिए और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखिए। बाकी कोरोना कुछ नहीं है, मेरा यही कहना है। क्या फिजियोथेरेपी के माध्यम से भी इस पर कुछ काबू किया जा पाया जा सकता है या इसके लिए कोई मेडिसिन मतलब इसमें या व्यायाम या कुछ इस प्रकार के रामदेव बाबा भी बोले व्यायाम की चर्चा किए तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें फिजियोथेरेपी में तो हम लोग डीप ब्रीदिंग कराते हैं, गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। उसे क्या होगा कि आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, वाइटल कैपेसिटी जिसको कहते हैं वो बढ़ेगी, और वाइटल कैपेसिटी जब बढ़ेगी तब जो है सो आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग होगा और लंग्स में जो एल्वियोलाई है जो कोरोना के इन्फेक्शन के बाद में वो बंद होने लगता है और दम फूलने लगता है वो भी जो है सो ठीक रहेगा। इसलिए इम्यूनिटी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, मजबूत रखने के लिए आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए।